शहर बर्बादी की कगार पर आ गया। सोच रहे होंगे जब जाल्टा को लेकर कोई फूर हो गया तो ये सब किया किसने? पूरा शहर बर्बाद कर दिया। सो कौन आने? तुम्हें तो मैं अपनी थोड़ी ही पावर से मार दूंगा बच्चों। अरे देखो तुम जरा, इसको तो मैं मारूंगा मालू बुलून। मालू बुलून? ये क्या? अरे एक शब्द बोलना बस, मालू बुलून। अरे पूरी धरती फट जाए, ये सोकोना क्या चीज है? भगवान का शुक्र है कि तू कोई विलन नहीं हुआ, वरना मालू बुलून से तू पूरी धरती फाड़ दे। इतनी गंभीर परिस्थिति में भी तुम्हें ये बकैती सूझ रही है? अरे मालू बुलून, अरे बिया जी बचा ले। अरे सॉरी सॉरी मास्टर, अरे सॉरी मास्टर। अरे मास्टर उस साइंट को छोड़ो और सोकोना का ढोलक बजाओ। क्या ढोलक? ढोलक नहीं, अब तो सुकोना का बैंड बजेगा। बैंड तो चलो दोस्तों, अब करे धूम। सुकोना ओके, तो चल थोर भैंस की टांग तोड़ने, जल्दी निकलना बेहतर होगा। अब तुम क्या करोगे कीड़ो? और ये बल्लेबाज तेजी से बॉल की तरफ भागते हुए, और ये जोरदार छक्का तरी बेस की। अरे देव दनादन धोनी। अरे चल बैठो, अरे पंछी बनो उड़ता फिरू मस्त गगन में। अरे तेरी भैंस की। अब होगा ये खेल खत्म। नो व्हाट ठीक हो गए? अरे परफेक्ट लैंडिंग। अरे क्या मर गया क्या सुकुना? अरे मास्टर को यार इतना खतरनाक पंच मारा कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए भाई साहब। She is such a bloody monster. अब तू कौन है? तूने सबको छीन लिया मुझसे। मैं तो तुझे जानता भी नहीं लड़के। जान जाएगा कभी नहीं। बस इतना ही कर सकता है तू। ये औरा तो मैंने पहले भी कही थी। What incredible speech! ऐसा क्यों लगा जैसे मेरी पावर्स किसी ने अभी यूज की हो? मास्टर पीएसजी और एक लड़की ही थी जो मुझे इतना चोट पहुंचा पाए, और अब तू कभी वॉच बैक किडो कनेक्ट दूसरों की पावर चुराते हुए
शर्म नहीं आती? ये डेंजर एक जोन है बच्चे। खैर चल थोड़ी देर बात कर लेते हैं। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम है दीवान, तेरी मौत। अच्छा तो क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? कौन है तू और क्या चाहता है मुझसे? तो सुन, सुन। 7 साल पहले दीवान एक ऐसा लड़का था जो अपनी जिंदगी में बेहद खुश था। दीवान के पिता ने उनका घर विलेज से कोसों दूर बनाया ताकि वो इन जंगों से बिल्कुल सुरक्षित रहे। वो बहुत खुश थे, पर तभी एक दिन डीमंस की एक फौज ने उनके घर पर हमला कर दिया। वो तीनों एन डीमन से भागने की कोशिश करते, पर तभी दीवान की माँ डीवा को कुछ डीमंस ने पकड़ लिया और नोच नोच कर बेरहमी से मार दिया। उसके बाद दीवान के पिता भी पकड़े गए। दीवान के पिता ने दीवान को बचाने के लिए अपनी बलि दे, और इस तरह बेचारे दीवान को अपने ही घर से भागना पड़ा और इसी तरह भरा जाल्टा के पाप का घड़ा। का पतला लेने मैं आ गया हूँ। ये शक्तियाँ कहाँ से मिली तुझे? और ये शक्तियाँ शायद मैंने पहले भी कहीं देखी है। रो, मैं तुझे क्यों बताऊँ? ताकि मैं तेरे उस गुरु का सर फोड़ कर उसको मार दूँ। बहुत